हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं वासु शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एनोनिमस लर्निंग में। होप करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम फिर से अपनी क्लास में जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। एग्जाम की डेट के लिए आप 15 दिन भी नहीं बचे, आप 10 दिन का एस्टिमेट लगा के चलिए। सारे रिविजन कर रहे होंगे, ये भी रिविजन लेक्चर जी आ रहे हैं, उनको जरूर देखिए, क्लास अटेंड कीजिए और एग्जाम को फोड़ के आइए। हम भी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से बता दूं, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया हुआ है। अगर आप पेड पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप उस नंबर पर जाके मैसेज कर दे, आपको पेड पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हु वॉज द फर्स्ट सरदार आई रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट सदर आई रियासत ऑफ जम्मू और कश्मीर कौन था? ए करण सिंह, बी हरि सिंह, सी उमर अब्दुल्ला, डी अल्लाह रख। जो फर्स्ट सदर आई रियासत था जम्मू कश्मीर था वो थे करण सिंह, वाज द फर्स्ट सदर आई रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन थे ये? इन्होंने सर्व किया था, दैट इज सर्व फ्रॉम 1952 टू 1965 तक इन्होंने सर्व किया था। कौन है ये? है सन ऑफ हरि सिंह के पोते थे करण सिंह, और हरि सिंह कौन थे? दैट इज लास्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इन्होंने सर्व किया था 1952 से लेकर 1965 तक। इनके जो फादर थे वो थे हरि सिंह, वो जो थे लास्ट महाराजा थे जम्मू और कश्मीर के। जो करण सिंह है वो फर्स्ट सदर आई रियासत है जम्मू और कश्मीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हु वॉज नोन एज द ऑलमोस्ट कश्मीरी। इनमें से किसको ऑलमोस्ट कश्मीरी बोला जाता है? द राइट आंसर इज स्वामी लक्ष्मण, जो को ऑलमोस्ट कश्मीरी बोला जाता है। इनका टाइम पीरियड क्या था? दैट इज 1907 में हुए और 1991 में इनकी डेथ हो गई। क्यों बोला जाता है इनको ऑलमोस्ट कश्मीरी? ये है कश्मीरी सेंट एंड फिलोसोफर। इनका जो आश्रम है वो श्रीनगर में सिचुएटेड है, आश्रम इन श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वो पिछला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था तो उसके लिए हमने उसको स्किप कर दिया था। पद्मा विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा इज अ फेमस पर्सनालिटी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ही इज ए जो पद्मा विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा है वो एक फेमस पर्सनालिटी है जम्मू कश्मीर से, वो कौन है? ए तबला प्लेयर, बी संतूर प्लेयर, डी एक्टर सी एक्टर, डी स्पोर्ट्स पर्सन। ये है एक संतूर प्लेयर। इनका टाइम पीरियड था 1938 में हुए, 2022 में इनकी डेथ हो गई। इन्होंने जो म्यूजिक सीखा था दैट इज लर्नड म्यूजिक फ्रॉम हिज फादर, और ये कहाँ पर हुए थे? दैट इज बॉर्न इन जम्मू। ये था पद्मा विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा, जो फेमस पर्सनैलिटी है संतूर प्लेयर में, जम्मू में हुए थे 1938 में हुए और 2022 में इनकी डेथ हो गई। इन्होंने जो म्यूजिक था अपने फादर से सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेटर टू रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल क्रिकेट। जम्मू और कश्मीर का फर्स्ट क्रिकेटर कौन था जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था? द राइट आंसर इज परवेज रसूल, वाज द फर्स्ट क्रिकेटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू प्ले क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर इंडिया। कब हुए थे? दैट इज बॉर्न इन फरवरी 13, 1989 में बॉर्न हुए थे। इन्होंने अपना इंटरनेशनल जो डेब्यू किया था अगेंस्ट बांग्लादेश। ऑन जून 15, 2014 के अंदर इन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था
1989 में बॉर्न हुए थे परवीज रसूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लॉ लिरिक्स इज अ टिपिकल वर्स पॉपुलराइज्ड बाय, जो लॉ लिरिक्स है वो किसके द्वारा पॉपुलराइज किया गया था, जो लॉ लिरिक्स है वो पॉपुलराइज किया गया था लाल देद और लालेश्वर के द्वारा। लाल देद और लालेश्वर के द्वारा लॉ लिरिक्स को पॉपुलराइज किया गया था। अब इसके डिटेल्स ये हुए थे 1320 में हुए थे और 1392 में इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द इंटायर एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज मेनली डोमिनेटेड बाय बैम्बू प्लांटेशन, इनमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो मेनली डोमिनेटेड है बैम्बू प्लांटेशन के लिए। जो इसका सही आंसर है दैट इज लाचीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मेनली डोमिनेटेड है बैम्बू प्लांटेशन के लिए। ये लाचीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ये है हमारे अनंतनाग में, कवर ऑलमोस्ट 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, अनंतनाग में है लाचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मेनली बाम्बू प्लांटेशन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सिटी ऑफ सूफीज ओइंग ओनली द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सूफी श्राइन ऑफ पीर्स, इनमें से कौन सी सिटी को सिटी ऑफ सूफीज बोला जाता है जम्मू और कश्मीर में। ए जम्मू, बी भद्रवाह, सी कठुआ, डी रियासी। आप सबको ये आंसर पता ही है पहले से, भद्रवाह इज नोन एज अ सिटी ऑफ सेंट्स। भद्रवाह कहाँ है, भद्रवाह है हमारा इन डोडा। क्या बोलते हैं भद्रवाह को, भद्रवाह इज नोन एज सिटी ऑफ सेंट्स, और ये भद्रवाह ऊपर दैट इज फ्लो चेनाब रिवर। ये डिटेल्स हैं सिटी ऑफ सेंट्स भद्रवाह के बारे में, जो डोडा में है उसके पास चिनाब रिवर फ्लो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज सिचुएटेड इन नॉर्थ शोर ऑफ, जो डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा है यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में वो कहाँ पर सिचुएटेड है, किस लेक के पास, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा है वो हमारा सिचुएटेड है सी ऑप्शन बुलार लेक के पास, दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर बांदीपुरा। ये बुलार लेक कहाँ पर है, दैट इज इन बांदीपुरा। और आपको ये पूछ सकते हैं कि ये तस्समोरी लेक कहाँ पर है, ये हमारी लेक है लद्दाख में। नागिन लेक कहाँ पर है, ये स्मॉल लेक है इन श्रीनगर। जो डल लेक है ये है हमारी लार्ज लेक इन श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज राइस बॉल ऑफ कश्मीर, पुराने आपने लेक्चर्स देखा आपको पहला ही पता राइस बॉल ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है। ये ऑप्शन गांदरबल, बी पुलवामा, सी बांदीपुरा, डी शोपिया। बी ऑप्शन पुलवामा इज नोन एज द राइस बॉल ऑफ कश्मीर, आप सबको पता ही है क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स फर्टाइल सॉयल, अबंडेंट वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई अच्छी है पुलवामा में एंड फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन, फेवरेबल क्लाइमेट। और राइस बॉल क्यों बोलते हैं, दैट इज प्रोड्यूस 70% ऑफ कश्मीर टोटल राइस, 70% कश्मीर का राइस पुलवामा में ही उगाया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स फर्टाइल सॉयल, अबंडेंट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑल्सो नोन एज द यंग सिस्टर ऑफ होली रिवर गंगा, द देविका रिवर मेनली फ्लो थ्रू द डिस्ट्रिक्ट, ऑल्सो नोन एज द यंग सिस्टर ऑफ होली रिवर, जो गंगा देविका मेनली है वो किस कहाँ से फ्लो होती है। ए उधमपुर, बी डोडा, सी जम्मू, डी रियासी। ये मेनली फ्लो होती है ये ऑप्शन उधमपुर से। और आपको बता दूं देविका के बारे में, देविका दैट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द चेनाब, चेनाब वैली से ओरिजिनेट होती है देविका। और देविका कहाँ से फ्लो करती है, दैट इज
फ्लो फ्रॉम उधमपुर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम स्किप करेंगे। फेमस बाय द नेम ऑफ वैल्यू ऑफ सेवन लेक, जो फेमस है वैल्यू ऑफ सेवन लेक के बारे में, वो कौन है? वो कौन है जो फेमस है वैल्यू ऑफ सेवन लेक के बारे में? ये अनंतनाग, पी गांधरबल, सी रजौरी, डी पुंछ। फेमस है गांधरबल वैली ऑफ सेवन लेक के बारे में। कौन कौन सी लेक है आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। फर्स्ट मनसबल लेक, सेकंड वोलार लेक, थर्ड नंदकुल लेक, फोर्थ चांदीपोरा लेक, फिफ्थ उषसार लेक, सिक्स गिल सार लेक, सेवन गंगा बल लेक। ये सेवन वैल्यू ऑफ लेक है, इनके आपको मैं नाम्स बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द श्राइन ऑफ फेमस सेंट जैती शाह वाले लोकेटेड इन विलेज आफ्टर द हिम एज मुकम शाह वाली इज इन द डिस्ट्रिक्ट, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ए बारामूला, बी बांतीपुरा, सी कुपवाड़ा, डी श्रीनगर। ये हमारे इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुपवाड़ा इन 15th सेंचुरी सेंट। मेरे भाइयों, आज के लिए क्लास में इतना ही। होप करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम कल फिर से मिलेंगे एक और नई क्लास में। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।